नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की कच्ची सड़क स्थित राजीव त्यागी पुत्र राजवीर त्यागी का परिवार अपने आवास पर ही करीब 40 सालों से शिव भक्तों की सेवा करता रहा है, जिसमें बिना किसी के सहयोग से ही घर की महिलाएं सभी शिव भक्तों के लिए खाना बनाती हैं। सभी शिव भक्तों ने यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखकर प्रसाद ग्रहण किया और सोनू त्यागी का धन्यवाद किया। राजीव त्यागी ने बताया कि यह शिविर उनके पिताजी राजवीर त्यागी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिना किसी भेदभाव के शिव भक्तों की सेवा की जा रही है। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया और मैं हूँ आपके साथ गोपी सैनी। हरिद्वार से शिव भक्त लाखों की संख्या में पवित्र गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुँच रहे हैं, जिनके लिए पुलिस प्रशासन व अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जिसमें हजारों निःशुल्क शिविर लगे हुए हैं। और ऐसे ही आज हम ऐसे निःशुल्क शिविर में मौजूद है, जहां पर पिछले करीब 40 से 50 सालों से निःशुल्क यह शिविर लगाया जा रहा है बिना किसी सहयोग के, जिस पर घर की महिलाएं ही शिव भक्तों के लिए खाना बनाती है और खुद परोसती है। ना ही किसी का सहयोग इसमें लिया जाता है और ना ही किसी हलवाई को यहाँ पर खाना बनाने के लिए बुलाया जाता है। खुद ही यहाँ के घर की महिलाएँ खुद खाना बनाती है और खुद ही परोसती है। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कब से चला आ रहा है और किस तरह से शिव भक्तों की यहाँ पर सेवा की जाती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजीव त्यागी, पुत्र राजवीर सिंह त्यागी, गांव बैसानी हमारा। आपके घर में ये शिविर लगा हुआ है, ये कब से चलता आ रहा है? भाई, ये तो हमारी आज से पहले हमारे पिताजी और बाबा जी के समय से चला हुआ रहा जी। उसके बाद में हम बड़े होते चले गए तो हमने सेवा करनी शुरू कर दी। तो किस भाव से आप ये सेवा करते हैं, किस कोई मनोकामना या? नहीं नहीं नहीं, हम तो भक्ति भाव से ही सेवा करते हैं, सब भक्ति भाव से सेवा करते हैं और कोई मनोकामना कुछ नहीं। तो आपको किस तरह किसी से सहयोग लेने की जरूरत पड़ती है या खुद ही अपने निजी खर्चे पर? नहीं नहीं, ये तो सब भोलेनाथ ही कृपा से सब अपने आप ही स्वयं खर्चे से ही हो। कितने दिन तक चलता है आपका शिविर? जब तक भोले आते रहेंगे चलाते रहेंगे हम तो, भोले की इच्छा तक चलता रहेगा। कितने साल अभी तक इस शिविर को हो चुके होंगे? मेरी याद में लगभग जैसे मेरी उम्र के हिसाब से 40 साल से ऊपर इसे लगभग जो हो गए होंगे। यानी 40 सालों से ये शिविर लगता आ रहा है, जिसमें खाने की व्यवस्था आदि व्यवस्था यहाँ पर की गई। और कुछ क्या स्पेशल यहाँ पर व्यवस्था भोले के लिए की जाती है? भैया, सारे खाने की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था और उनके भाई नहाने की, शौचालय की, जितनी भी हमसे मदद हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग अपनी दुकान भी बंद करके सामान इधर उधर रख कर उनके लेटने की सब व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि सभी शिविर किसी के सहयोग के द्वारा लगाया जा रहा है, चंदा लेकर यहाँ पर शिविर लगते हैं, तो ऐसा भी कुछ है यहाँ पर? भाई, हमारा तो सहयोग सिर्फ जो भोलेनाथ का है जी, उसी के सहयोग से हम लोग चलाऊँ, उसी का नाम लेकर। तो किसी हलवाई को भी बुलाया जाता है या फिर घर की महिला ही यहाँ पर? नहीं, हलवाई का मैंने प्रोग्राम अपनी माता जी के आगे रखा था, लेकिन उन औरतों ने हमें ये कहकर मना कर दी कि ये सब व्यवस्था हम खुद करेंगे, आप केवल खाना खिलाओ। और मोहल्ले की औरतें भी हैं वो सारी, और हमारे घर की जो जितनी भी औरतें हैं, हमारी बहन भी है, हमारी जो बच्चे भी हैं, वो सब लग के वही खाना बनाती हैं लगातार दोनों टाइम, और शाम को चाय नाश्ता, वो सब उन्हीं के सहयोग से। तो बिना हलवाई के ही घर पे यहाँ पर सभी महिलाएं शिव भक्तों के लिए खाना बनाती है और खुद ही परोसती है। हमारे साथ शिव भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भोले, क्या नाम है? भोले सिंह। कहाँ से हो? मेरठ से। तो मुजफ्फरनगर कैसा लगा यहाँ पर ठहर रहे हो? ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था सब सही है। कब से आ रहे हो? अभी आए हम तो, घंटे एक यहाँ। अच्छा, तो कब उठाया था जल? जल तो उसने उठाया 11 तारीख में शाम को। तो कैसी लगी यहाँ की सारी व्यवस्था? ठीक लगी सर, बढ़िया है। हाँ जी भोले, आपका नाम? भोले प्रवीण कुमार नाम है मेरा। कहाँ से आए हो आप? मेरठ से आए हो जी। तो आप भी मेरठ से हो, इस तरह यहाँ पर रुके हुए हो, किस तरह की व्यवस्था लगी यहाँ? सारी व्यवस्थाएँ बहुत उचित, बहुत बढ़िया, सुंदर, और भोजन बहुत ही शुद्ध, बहुत अच्छा व्यवस्था है, और रहने की सारी सुविधाएं हैं। बहुत बहुत आभार है इनका कि सभी यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी सुविधा बनाई हुई है। बहुत बहुत चल के आ रहे हो, सदगुरु प्रशासन की व्यवस्था है, सड़कों पर व्यवस्था है, और जगह भी बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यात्रियों के लिए रुकने का, बहुत अच्छा। थैंक यू। आपका नाम? अंकित नाम है। आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं, कैसा लग रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। खाने पीने को लेकर? हाँ जी, सब अच्छा है। नहीं, कोई कमी नहीं, सब अच्छा है। एक ऐसे भोले हैं जो पिछले 15 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी यहाँ पर रुकते हैं और ठहरते हैं, तो किस तरह का आपकी यहाँ को व्यवस्था लगी आपकी यहाँ? मुझे घर जैसे ही महसूस होता है, मैं आके जी ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में आ गए और हमारी सेवा हो रही है इतनी बड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके पिताजी ने परंपरा शुरू करी की थी, वो जो परंपरा इनके पिताजी के टाइम से चली आ रही है, वो इन्होंने बच्चों ने उनके जाने के बाद ही उसको चालू रखा, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 15 सालों से आप जब जल लेकर आते हो यहीं पर ठहरते हो? यहीं पर ठहरते हैं, काफ़ी दूर से अगर
थोड़ा कष्ट सह के भी आना पड़े तो यहीं आकर रुकते हैं जी। यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया जी, व्यवस्था यहाँ की देखो घर जैसा ही महसूस कर रहा है। कूलर भी है, पंखे भी हैं और खाना भी जैसा चाहो, कभी किसका व्रत है तो बिना व्रत वाला भी खाना मिल जाता है, चाय भी स्पेशल बनती है। आप मेरठ से आते हैं जी, हर साल लगातार चल कर आते हो, थकान दूर हो जाती है यहाँ पर? हाँ, यहाँ का थकान दूर हो गया, अब ऐसा लगेगा हमें यहाँ से चलने के बाद में हम हरिद्वार से चले हैं दोबारा से। तो पिछले 40 सालों से लगने वाले शिविर में महिलाएं किस तरह से शिव भक्तों की सेवा करती है, बिना हलवाई के यहाँ पर सभी घर की महिलाएं भोजन बनाती है शिव भक्तों के लिए, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मीनाक्षी। तो लगातार आप यहाँ पर खाना बना रहे हो? हाँ जी। तो किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होती है जिस तरह से सभी शिविर में हलवाई लगे हुए हैं? नहीं नहीं। कितने सालों से ये शिविर लगातार है? 40, लेकिन हम तो कम टाइम से ही हैं, मामी जी थी पहले। जी, आपका नाम? आरती त्यागी। आप लगातार खाना बनाने में लगे हुए हो तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं? लगातार ये बनता रहता है खाना पूरा? हाँ जी, मतलब पहले सुबह का होता है, फिर दोपहर का और फिर रात का भोजन। जी, तो लगता है अक्सर देखा जाता है कि शिविर लगने वाले में सभी हलवाई बुलाते हैं, वे खाना बनाते हैं, लेकिन सभी यहाँ पे हमें भोलेनाथ कुछ शक्ति दे देते हैं करने की। यानी ये भोलेनाथ शक्ति देते हैं खाना बनाने की, बिना हलवाई के यहाँ पे सभी महिलाएं लगी हुई है। जी अम्मा, आपका नाम? मेरा रेखा त्यागी भाई। तो आप भी लगे हुए हो लगातार? भाई मैं ही हूँ, बस घर की चोर बड़ी, सब मेरे बच्चे हैं ये। अच्छा, तो आपके सानिध्य में चल रहा है सब? हाँ जी। कितने साल हो गए? 40-42 साल हो गए लगते हुए। पहले करते हो सारी सेवा? सब खुद ही, सब से ही। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी महिलाएं लगी हुई है और शिव भक्तों के लिए यहाँ पर पूरी निकाली जा रही है और सभी शिव भक्तों के लिए ये खुद ही सेवा कर रहे हैं। और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? नीलम। तो आप भी लगे हुए हो? हाँ जी। तो कितना टाइम हो लिया अभी तक यहाँ पे? मम्मी पापा को करते हुए 40 साल हो गए, 40-42। हम लोगों को करते हुए 26 साल हो गए। तो लगातार 26 सालों से ऐसे ही खाना बनता है? हाँ, महिला बनाती है। हाँ, बहुत मन लगता है करते हुए काम को, बहुत आनंद आता है। जी, किस तरह से देखते हैं लगातार यहाँ पे शिव भक्त रुके हुए हैं और आप खाना बना रहे हैं उनके शिव भक्तों के लिए? हाँ जी सर, मेरा नाम पूजा त्यागी है और मैंने कुछ ही सालों से यहाँ से जुड़ी हूँ और जब से जुड़े, जब से कंटिन्यू यहाँ पे भंडारा चला हुआ है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी महिलाएं घर की लगी हुई है शिव भक्तों की सेवा करने में। और भी हम आप तक इस महाकावड़ यात्रा की अपडेट पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मैं गोपी सैनी, हलचल इंडिया, मुजफ्फरनगर। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।